केंद्र सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है दिल्ली के सभी इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए। हमने कुछ साल पहले ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और अभी एक दो दिन पहले केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद दिल्ली के जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी सबकी पूरी तरह से सूरत बदल जाएगी। अभी तक दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज में मोटे मोटे तौर पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अलाउड होती थी, तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं दिल्ली में। आप देखते होंगे सरिये बनाने की, स्टील की, प्लास्टिक की, किस्म किस्म की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज में, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है। आप देखते हैं वहां पे कितना, अगर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं तो कितनी बुरी हालत वहां देखने को मिलती है। अब ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के अंदर कोई भी नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोई भी अगर नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो वहां पे केवल और केवल हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री अलाउ की जाएगी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाएगी। तो केवल हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री नए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और जितने पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां भी उनको मौका दिया जाएगा, जो जो लोग चाहेंगे वो अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बंद करके ये नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी कि सर्विस इंडस्ट्री या हाईटेक इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर ये जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये सब बंद हो जाएगी और धीरे धीरे सर्विस इंडस्ट्री और नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, नए हाईटेक इंडस्ट्री लगनी चालू हो जाएगी।